HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सिंगर सोनू निगम द्वारा उठाया गया लाउडस्पीकर विवाद तो खत्म हो गया, पर अब इसी मुद्दे पर इरफान खान ने अपनी राय रखी है। इरफान खान आजकल अपनी आने वाली फिल्म हिंदी मीडियम के प्रमोशन में बिजी हैं। प्रमोशन के दौरान बातचीत में इरफान ने ध्वनि प्रदूषण पर अपनी बात रखी। माना जा रहा है कि इरफान की बात सोनू निगम के ट्वीट्स पर सवालिया निशान है। खबरों के मुताबिक इरफान ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विदेशों में गाड़ी के हॉर्न पर पाबंदी है, क्योंकि वे इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। लेकिन भारत में क्या यह संभव है? इरफान ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सवाल किया, क्या हम इस तरह के प्रदूषण को लेकर संवेदनशील हैं? इरफान ने कहा, जब अस्पताल के बगल में डिस्कोट एक चलता है, तब लोग उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? हमें सभी तरह के ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा करनी चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ एक ही आदमी को साउंड से समस्या है। इस बयान के बाद इरफान ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उन्होंने सोनू निगम या उनके अजान वाले विवाद से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया। हो सकता है कि किसी और संबंध में ऐसा बयान दिया हो जिसे मीडिया इससे जोड़ रहा है। हिंदी मीडियम की रिलीज डेट आगे खिसकी। इरफान खान और पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर की हिंदी मीडियम की रिलीज डेट एक हफ्ते आगे खिसक गई है। इस फिल्म को अगले 12 मई को रिलीज होना था, लेकिन अब यह 19 मई को रिलीज की जाएगी। निर्माता दिनेश विजन ने कहा, फिल्म देखने के बाद इरफान और मुझे दोनों को यह लगा कि हमें इसका प्रचार करने के लिए एक हफ्ते का और वक्त देना चाहिए, क्योंकि इसमें संभावना है। हमें पूरा यकीन है कि फिल्म अच्छी बनी है और दर्शक इसे पसंद करेंगे। फिल्म के निर्देशक साकेत चौधरी हैं।